पटना के करगिल चौक पर MYMBI द्वारा COVID-19 को लेकर वाहनों में जांच अभियान चलाया गया। सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि टेम्पो में 4 और बस में 50% लोग ही यात्रा कर सकते हैं। सरकार के नियम के विपरीत जो भी वाहन मिले और जिसमें सवारी ज्यादा बैठी हुई मिले, सभी वाहन और वाहन मालिक पर फाइन लगाया गया। यह सभी MBI द्वारा किया जा रहा था। वहीं पकड़े गए टेम्पो चालक ने बताया कि हमें मालूम ही नहीं है कि टेम्पो में कितनी सवारी को बैठाना चाहिए, हम तो रोज की तरह सवारी बैठा कर आ रहे थे, झूठ मूठ का फाइन लगी है। कई टेम्पो चालक पुलिस को देखकर सवारी सहित भागते हुए नजर आए और पुलिस वाले खतरे को चालू कर रहे थे। हम लोग अभियान चला रहे हैं जो COVID-19 को लेकर जो आदेश है सरकार का, उसमें है कि जितना भी पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें आधे 50% पे चलना है। तो उसी में हम लोग ऑटो और ई रिक्शा पे जो ज़्यादा लोग जा रहे हैं उसको हम लोग फाइन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मोटर यान निरीक्षक। किस लिए किया जा रहा है? कोविड से बचने के लिए, कोविड महामारी में अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा पैसेंजर में तो फिर चांसेज है होने का। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।